इस समय देख सकते हैं मेरे पीछे ये अयोध्या स्टेशन है जो एक मंदिर की तरह सजा हुआ है। शायद हमारे हिंदुस्तान में ये एक ही ऐसा रेलवे स्टेशन है जो इस डिजाइन में बना है, होना भी चाहिए। ये जो भगवान श्री राम का स्थान है। मॉर्निंग फ्रेंड्स, तो हम लोग इस समय बिरला मंदिर आ चुके हैं जो कि रेलवे स्टेशन से करीब आधा किलोमीटर की दूरी पर है। ये बहुत ही मान्यता प्राप्त मंदिर है यहाँ का और बहुत ही सुंदर तरीके से बनाया गया है। ये श्री राधेश्याम जी का मंदिर है। आप जो पीछे मंदिर देख सकते हैं ये बिल्कुल सेंटर है अयोध्या का और यहाँ से जो है तकरीबन 150 मीटर की दूरी पे ही आपको राम जन्मभूमि के दर्शन हो जाते हैं। इसके जस्ट सामने से ही पुराना बस स्टैंड की पार्किंग है जो कि फ्री ऑफ कॉस्ट है। आप वहां पे जब अपनी गाड़ी पार्क करके आगे भगवान के दर्शनों के लिए जा सकते हैं। अगर इसके लेफ्ट साइड में देखिए तो आपको नजर आएगा यहां पे एक और स्ट्रक्चर जो बना हुआ है, ये बिरला धर्मशाला है। यहाँ पे आपको रीजनेबल रेट्स पे रहने की सुविधा और खान पान की व्यवस्था अंदर ही मिल जाएगी। 400 रुपए से लेके 1100 से 1200 रुपए तक के यहाँ के रूम्स के रेट हैं जो कि नॉर्मल और वीआईपी रूम्स हैं। आप यहाँ पे आके स्टे कर सकते हैं। कंफर्टेबल और रीजनेबल रिसोर्सेज हैं यहाँ पे जो आपको सुख सुविधा प्रोवाइड कर सकते हैं। जय श्री राम। तो दोस्तों, हम भगवान श्री राम के दर्शनों के लिए अभी निकल रहे हैं। अब क्योंकि वहाँ पे कोई भी इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम, मोबाइल कैमराज या कोई भी ऐसा आइटम जो कि अंदर अलाउ नहीं है वो नहीं ले जा सकते, तो आपके लिए भी ये एक इन्फॉर्मेशन है कि किसी भी तरीके का एक्सेप्ट पैसों के आप कोई भी जो चीज़ अंदर ले जाना मना है, तो इन चीज़ों से आप भी बचें। तो हम आके आपको बताते हैं कि हमें कैसे दर्शन हुए रामलला के और आपको उसके बारे में इन्फॉर्मेशन देते हैं। सो दोस्तों, अब हम रामलला के दर्शन करके वापस लौट चुके हैं। बहुत ही सुंदर और अभिभूत करने वाले दर्शन हुए हमें। बीच में रामलला अपने बचपन के अवतार में बैठे हुए हैं और उनसे जस्ट एक पैड़ी नीचे जो तीनों भाई जब बैठे हुए हैं, भरत, शत्रुघ्न और लक्ष्मण, इस प्रकार से ये लोग जब बैठे हुए हैं। ये अभी जो स्ट्रक्चर है वो तो टेम्परेरी स्ट्रक्चर ही बनाया गया है और उसी के जस्ट पीछे ही कंस्ट्रक्शन का काम जो अभी जारी है और जिसके बारे में हमें न्यूज़ में रीसेंट अपडेट्स मिलते ही रहते हैं और बहुत ही मन विभोर होने वाले दर्शन हुए। आप भी एक बार आके प्रभु के दर्शन ज़रूर प्राप्त करने चाहिए। तो दोस्तों, हम लोग इस समय श्री राम जन्मभूमि न्यास कार्यशाला पे आ चुके हैं और यहाँ पे अभी भी कार्य प्रगति पर दिखाया जा रहा है। चलिए देखते हैं कि क्या काम हो रहा है। यहाँ पे पत्थरों की कटाई का काम जारी है, जैसा कि ये आप देख सकते हैं स्तंभ अलग अलग तरीके से काटे जा रहे हैं और बनाए जा रहे हैं और यहाँ पे पुलिस का पहरा हर पहर रहता है और जो भी कटाई करके रेडी हो जाते हैं उनको इस तरीके से स्टैक कर दिया जाता है। अभी ये जो मुझे समझ आया यहाँ बात करके, बाहर का स्ट्रक्चर के लिए जो खंभे हैं उनकी तैयारी की जा रही है। ये सभी पत्थर छोटे छोटे जिन पे श्री राम का नाम लिख के इन्हें स्टैक किया जा रहा है।
जो लाल डॉट्स आप देख रहे हैं, ये भगवान श्री राम के 14 वर्ष के वनवास के समय वो कहाँ कहाँ से गुजरे, कहाँ कहाँ ठहरे, उसका प्रतिचिन्ह है। ये पूरे भारतवर्ष से होते हुए दक्षिणी छोर से फिर लंका पुल की तरफ प्रस्थान किया। तो दोस्तों, अयोध्या सीरीज को यहाँ पे अब हम समाप्त करते हैं। पिछली बार जो हम मंदिर नहीं कवर कर पाए थे, हमने उन सभी को इस सीरीज में कवर करने की पूरी कोशिश करी है। आपको हमारे एपिसोड कैसे लगे हमें ज़रूर बताइएगा, और चैनल को सब्सक्राइब करना और लाइक करना मत छोड़िएगा। आपकी सपोर्ट की हमें बहुत ही आवश्यकता है। शुक्रिया।